अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मोम्स लोग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट। तो ये मैंने फुल मुर्गी ले ली थी और ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। और योगर्ट लिया है मैंने, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और ये गरम मसाला पाउडर, ये तिक्का मसाला है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर, लेमन ले लें या सिरका ले लें, आपकी चॉइस है। तो चलें इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया मैंने, इसमें मैं 4 टेबलस्पून योगर्ट के डालूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये सॉल्ट एंड चिली और धनिया पाउडर और हल्दी और ये गरम मसाला पाउडर है और ये फूड कलर थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा जस्ट कलरिंग के लिए। और ये टिक्का मसाला डाल दूँगी। आप इसमें कम या ज़्यादा भी स्पाइसी, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप कम या ज़्यादा कर लें। और ये सिरका डालूँगी, 2-3 टेबलस्पून डालूँगी, क्योंकि लेमन भी डाल सकते हैं, मेरे पास अब लेमन अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिरका डाल लिया, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो चलें इसको मैरिनेट करते हैं। अब मैं चिकन पे कट लगा लूँगी, अच्छे से डीप कट लगाने हैं ताकि मसाला जो है अच्छे से अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इसको मैं ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी और नेक्स्ट डे मैं इसको फ्राई करूँगी। ये यहाँ पे चाइना में मिलती तो नहीं, ये बहुत मुश्किल से मैं करवा के लेके आई थी, मेरे अपने हबी से तकरीबन साल हो गया मैं कहती हूँ, उन्हें मिल ही नहीं रही थी, बस चांस मिल गया और मिल गई, अवेलेबल ही नहीं होती यहाँ पे, बस ये कट करके पीसी की शक्ल में ही मिलती है, तो बस मिल गई। तो अब ये अब मैं मैरिनेट कर दूँगी इसको अच्छे से, सारे मसाले को मैं इस पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और अंदर बाहर इसको मैं अच्छे से मसाले को सारा लगा दूंगी और इसकी कट्स में, ताकि मसाला जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको आप 1-2 घंटे के बाद भी फ्राई कर सकते हैं, बट ये कि इसका फिर अच्छा वो इसके अंदर मसालों का फ्लेवर नहीं जाता। तो ये क्या ओवरनाइट के लिए आप अब इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अंदर तक मसाले चले जाएंगे, इसका ना टेस्ट मसालों का आता है। तो मैंने मैरिनेट कर दिया, अब इसको मैं रैपिंग शीट से अब कवर कर दूंगी और मैं फ्रिज में रख दें या चाहे आप बाहर भी रख दें, मैं फ्रिज में रख लूंगी और मैं कल इसको लंच में फ्राई करूंगी। पहले मैं इसको वो करूँगी, स्टीम में पकाऊंगी और बाद में मैं इसको फ्राई करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, तो ये देखें, तो ये देखें ये कितने अच्छे से अब मसाला चला गया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा फिर, और अब मैं पैन में इसको डालूंगी। तो पैन में मैंने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला था, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, बस मैं इसको, ये काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगा। आप इसके लेग पीसीस को जो है किसी भी धागे वगैरह या किसी की चीज़ से बांध दीजिएगा, मैंने नहीं बांधा था तो वो काफ़ी मुझे मुश्किल हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो जितना मसाला बचा था मैंने वो भी इसमें डाल दिया ताकि अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। तो ये काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा चिकन, और क्योंकि दही भी डाला हुआ है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी। तो ये देखें अब ये बन रहा है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी उसने रिलीज़ कर दिया है चिकन ने। तो इसको मैं कवर करके मज़ीद फुल जब तक गलेगी नहीं मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखें बस ये इसका सारा पानी ड्राई हो गया और ये देखें बस अब डन है। काफ़ी मुश्किल हो रही है हलाने में, बट खैर कर लूँगी मैं मैनेज। तो ये अब इसको मैं ये बिल्कुल इसका मसाला मैं ड्राई करूँगी और फिर मैं देन फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। काफ़ी एहतियात से इसको हलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे,
तो ये आप इसके लेग पीसीस को बांध दीजिएगा ताकि आपको इजी आसानी से ये आप तेरा हैंडल हो जाए। और साथ में मैंने ये मटर पुलाव बनाया था, मैं ये रेडी कर रही हूँ। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने तो ये साथ में मटर पुलाव बनाया था, तो ये इंजॉय करेंगे। और इब्राहिम की आवाज़ें आपको पीछे से आ रही होंगी तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखें, ये माशाल्लाह डन हो गए हैं। और अब मैं रायता बना लूँगी। ये देखें, मेरा रायता भी डन है। और मैंने जस्ट योगर्ट में ये टोमेटो और ओनियन को ही मैंने चॉप करके डाला है और सॉल्ट ऐड किया। ये बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें कोकम्बर वगैरह भी डाल सकते हैं, तो मैंने बस ये दो चीज़ें डाली थी और बहुत मज़े का लगता है। आप इसको एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं, सैलड या रायता, जो मर्ज़ी आप इसे कहें। और ये देखें, ये डन हो गया। और ये छींटे ये देखें, काफ़ी एहतियात से, कहीं ऊपर ही ना, क्योंकि रोस्ट होता है ना, तो वो जब एंड पे काफ़ी ज़्यादा इसकी छींटे आती हैं। तो ये देखें, ये अब माशाल्लाह से डन हो गया है और बहुत 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 मज़े का बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आप बताइए कि आपको कैसे लगा है, मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब ये इंजॉय करेंगे, आ जाएं आप सब भी मिलके इंजॉय करते हैं। तो ये देखें, ये प्रॉपर गला हुआ है और कितना अच्छा फ्लेवर, और ये कलर वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे फील हो रहा है जैसे बारबेक्यू, जैसे मैंने बारबेक्यू इसे किया हो, बट बारबेक्यू नहीं किया मैंने, ये इसको फ्राई किया है। तो चावलों के साथ अब इसको मैं इंजॉय करूँगी, आ जाएं चलें। ये देखें हम, तो मैं अब खा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो ये कि घर में कभी कभी इंजॉय कर लेना चाहिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो नहीं मिलता है, ऐसी चीज़ें तो नहीं मिलती। लाहौर में तो आपको पता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाई जाती थी। तो बस अपना वो टेस्ट हमें आदत पड़ी हुई है, तो बस फिर इस वजह से फिर घर में ना मेरे हस्बैंड मुझे बस कहते रहते हैं, तो मैं फिर उनके लिए बना देती हूँ। चलें, अब परदेस है यहाँ पे, तो एक तो ये है ना कि यहाँ पे मिलता भी कुछ नहीं है, तो बस फिर। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी। काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।